सैनिक कल्याण विभाग बिलासपुर के द्वारा नैना देवी में वृद्ध और अपंग पूर्व सैनिकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर से सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक कर्नल प्यार सिंह अत्री नैना देवी पहुंचे और पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना और मौके पर निपटारा भी किया। सैनिक कल्याण विभाग बिलासपुर के द्वारा नैना देवी में वृद्ध और अपंग पूर्व सैनिकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर से सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक कर्नल प्यार सिंह अत्री नैना देवी पहुंचे और पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना और मौके पर निपटारा किया। इस दौरान बरसात और ठंडी हवाओं के बावजूद काफी संख्या में एक्स सर्विसमैन फौजी अपनी समस्या लेकर पहुंचे और उपनिदेशक महोदय ने उनकी समस्याओं को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य है कि जो भी वृद्ध अपंग पूर्व सैनिक हैं, उन्हें अपने कार्यों के लिए बिलासपुर आना पड़ता है और बिलासपुर आने में कई वृद्ध एक्स वृद्ध सर्विसमैन असमर्थ रहते हैं। इसलिए कल्याण बोर्ड ये निर्णय लिया है कि उनकी समस्याओं का हल घर द्वार जाकर ही किया जाएगा और इसी कार्यक्रम के तहत वे नैना देवी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना और कुछ का मौके पर ही निपटारा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका ये कार्यक्रम पूरे बिलासपुर जिला में जारी है और वे चाहते हैं कि जो भी पूर्व सैनिक हैं, उन्हें जो सुविधाएं मिली हैं, जैसे विधवा पेंशन है या नौकरी के लिए कोई समस्या है, तो उनका निपटारा मौके पर ही किया जा सके। इस मौके पर पूर्व सैनिक चुनी लाल ने बताया कि ये सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम काफी सराहनीय है और वृद्ध होने के कारण बिलासपुर जाने में हालांकि असमर्थ थे, लेकिन उनके घर द्वार ये सुविधा मिली है, इसके लिए विभाग का धन्यवाद करते हैं। नाव हमारे कर्नल साहब आए ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नैना देवी में आकर बुजुर्ग जी जो भी प्रॉब्लम थी सब इन्होंने बड़े सरीक ढंग नाल सुनी, कई तरीके दसे ऐसे करो ऐसे करो, बहुत अच्छी अच्छी सहूलत दी इन्होंने आकर, इन्हों की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जैसे वृद्ध आदमी को जिनको को पूछता नहीं, इधर उधर धक्के खाते हैं हम कि भी ये घर आकर सुनवाई कर रहे हैं।